वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो में मैं एक्चुअली रिव्यू करने वाली हूँ आई मैजिक का ये 16 कलर प्रोफेशनल आई शैडो। कुछ इस तरीके का ये दिखता है, अंदर से कुछ ये है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आई शैडोज है, लाइक पिंक है, ब्लू है। वो पिंक देख के मेरा बस मन कर रहा है कि मैं पिंक आई मेकअप लुक क्रिएट करूँ। एंड इट हैज़ अ ह्यूज मिरर एज वेल, तो आप इससे यू नो देख करके मेकअप भी कर सकते हो। अभी मेरे पास मिरर नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग सेवियर। बेस मेकअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है। फिलहाल मूव ऑन करते हैं इस आई शेडो पैलेट की तरफ। सो चलो शुरू कर लेते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल बटन भी हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने पहले बोला, फॉर सम एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, सिर्फ वहीं पर मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ और इस पैलेट के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग और प्राइसिंग की। सो पैकेजिंग बहुत ही लग्जूरियस सी है, महंगी सी लग रही है। सो 16 कलर्स मिल जाते हैं, पीछे में आपको सारे इंग्रेडिएंट डिटेल्स सब कुछ मिल जाती हैं। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें पैराबेन है। यूजुअली ये आई मैजिक हो गया या ब्यूटी ब्लेस्ट हो गया, आई थिंक उन सब में ही पैराबेन होते हैं, बट द पैकेजिंग यू गाइज इज सुपर ऑसम। अंदर में आपको एक बड़ा सा मिरर मिलता है, 16 कलर है, 8 राउंड में है और 8 स्क्वायर में है। मिक्स ऑफ मैट एंड शिमर्स है इसमें। आपका ये ब्लैक एंड ब्राउन जो टॉप पे है ये मैट है, ये वाला बर्गंडी कलर मैट है। देन यू गेट दिस, दिस एंड दिस, 3 कलर्स ये मैट है। अच्छी बात है ये दोनों कलर्स मैट है, तो आप आईलिड सेट करना हुआ या इस टाइप का कुछ भी काम है तो आप फेयरर स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड यूज कर सकते हो, और अगर आप डीपर स्किन टोन के हो तो आप तो दूसरा वाला शेड यूज कर सकते हो। क्लोजअप में आप अच्छे से देख लो कैसा लग रहा है ये। ये रिटेल करता है फॉर 799 रुपीज, बट 799 या फिर 899 का। इनफैक्ट अमेजोन वगैरह पे आपको और भी एक्सपेंसिव मिल जाएगा, बट अगर आप कप्सल लैशेस से लेते हो तो आई थिंक आपको 650 का मिल जाएगा। ऑलराइट, सो मैंने जूम इन कर लिया बिकॉज हम आईज पे फोकस करने वाले हैं। आईज पे मैंने ऑलरेडी कंसीलर लगा लिया, मैंने यूज किया स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। अंडर आईज पे भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया, वो मैं बाद में करूंगी बिकॉज कभी ड्रॉ फॉल आउट वगैरह हुआ इस वजह से। एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस पैलेट। तो सबसे पहले मैं ये कैरमेल सा कलर है इसको लेकर के अपनी आईलेट्स पे अप्लाई करूंगी। इससे मेरी आईज को एक बेस मिल जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। एंड गाइज, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मेकअप ट्यूटोरियल, हम यहाँ पर सिर्फ इस पैलेट को टेस्ट आउट कर रहे हैं, ट्राई आउट कर रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। सो दिस कलर इज रियली नाइस एंड पिगमेंटेड, और आप देख रहे हो कितना अच्छे से इसने इवनली मेरी आईलेट को कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट मैं मूव ऑन करूंगी टू अ लाइटर कलर, ये वाला जो शेड है मैट है ये भी, इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। इस वाली आंख में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा न्यूट्रल लुक ही क्रिएट करूँ। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रश ले रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरी आईज बहुत डीप सेट है, तो काफ़ी अच्छे से ये जो है जैसा मुझे रिजल्ट चाहिए वो मिल पाता है। अगर आपकी आईज छोटी है तो छोटा ब्रश यूज़ करिए। और काफ़ी पिगमेंटेड है एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छे से डिपॉजिट हुआ है ये कलर भी, और काफ़ी अच्छा ब्लेंड भी हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स दिस बर्गंडी कलर, और इसको मैं आउटर वी में डिपॉजिट करूंगी और इनर वी में। हम थोड़ा सा हेलो आई टाइप को क्रिएट करेंगे, तो आउटर और इनर दोनों जगह पे मैं इसको अप्लाई करूंगी। और उसके लिए मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मल फ्लफी ब्रश भी यूज कर सकते हैं। सो ये वाला शेड मैं ले रही हूँ अच्छे से ब्रश पे, एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दूंगी। गाइस लाइटिंग का हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे बिकॉज नई सेटिंग है, अभी हमने लाइट सेटअप नहीं करी है, तो हो सकता है लाइट थोड़ी सी गड़बड़ लगे इस वीडियो में। ये कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, काफी अच्छे से पिगमेंटेड भी है। मैंने सेंटर से ज्वाइन करा है इसको, और आउटर भी और इनर भी में ये कलर डिपॉजिट किया। आप देख सकते हो पिगमेंटेशन बॉम्ब है, लाइक और ब्लेंड इतना ब्यूटीफुली हो रहा है ना। ऑल्सो गाइज, लेट मी नो वट टाइप ऑफ कॉन्टेंट आप मेरे चैनल पे देखना पसंद करते हो, बिकॉज मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और बहुत बुरी तरीके से फेल भी हो रही हूँ। सो मुझे बताओ कि किस टाइप का कॉन्टेंट आपको ज़्यादा पसंद आता है मेरे चैनल पे, एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर ऑफ दैट। इधर उधर हाथ पैर मारने से बेहतर है कि मैं वही क्रिएट करूँ जो आप लोग देखना चाहते हो। आई नो वॉट्स न्यू एंड अफोर्डेबल आप लोग का फेवरेट है, बट उसके अलावा भी बताओ। देख रहे हो कितना सुंदर तरीके से ये ब्लेंड हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सेंटर में मैं, वाओ ये ग्रीन कलर जो कर्टिन नाम का ग्रीन कलर है, इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी।
oh, it's a duochromatic color and I'm drawn towards this. So मैं इसको अपनी eyelid के center में apply करूँगी curtain को. Curtain is this particular shade. ये duochromatic shade है purple और green का mix and I think this is going to go very well with this color. So अभी मैं ले रही हूँ shade curtain, this shade right here और इसको अपने center पे लगाऊँगी lid के center पे. ओके अभी मैंने कोई भी इसमें मेकअप फिक्सर वगैरह यूज़ नहीं किया है क्योंकि पहले देख लेते हैं ये बिना फिक्सर के कैसे काम करता है. एंड इट इज सच अ प्रिटी कलर यू गाइस, बहुत ही सुंदर. उसके ऊपर वाला पर्पल कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है एंड विदाउट दी मेकअप फिक्सर भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हुआ है. फिंगर से ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई होगा क्योंकि कोई भी शिमर शेड होता है ना फिंगर से बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है. बट ब्रश से भी नो डाउट ये काफ़ी अच्छा अप्लाई हो रहा है. वापस से मैं अपना पेंसिल ब्रश ले रही हूँ और एजेस को इसके साथ में ब्लेंड आउट करूँगी जिससे मर्ज्ड अप लगे सब कुछ. दिस कर्टन शेड इज बॉम गाइस, इट इज बॉम, लव इट लव इट. सो ये वाली आई ऑलमोस्ट डन है, अभी जो है मैं ये वाली आई कर लेती हूँ. सो अगेन मैं ले रही हूँ फ्लिप, जो मेरा कैरमल शेड था फ्लिप, ये वाला. इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आईलेट को क्रीजेस जो बन गई होंगी उनको इवन आउट करूंगी एंड यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्मोकी करते हैं, ब्लैक स्मोकी. सो सबसे पहले मैं गोइंग इन विद दिस शेड, दिस इज कॉल्ड कल्चर, ये वाला जो शेड है कल्चर, इसको मैं थोड़ा सा क्रीज में लगाऊंगी. नेक्स्ट मैं लूंगी दिस ब्राउन कलर राइट हियर, इसका नाम है स्टीम और स्टीम को आउटर व्यू में डिपॉजिट करेंगे पेंसिल ब्रश की हेल्प से. एंड फाइनली आउटर व्यू में मैं लगाऊंगी दिस ब्लैक शेड जिसका नाम है नॉयर. सेम पेंसिल ब्रश ही ले रही हूँ मैं फिर से आउटर वी में इस ब्लैक कलर को डिपॉजिट करने के लिए. इट इज इंटेंस एंड वेरी वेरी ब्लैक. एंड द गुड पार्ट इज कि ब्लैक में कोई भी फॉल आउट नहीं, इनफैक्ट कोई भी कलर में इतना ज़्यादा फॉल आउट नहीं है कि आपका अंडर आई एकदम ब्लैक हो जाए, इफ यू कैन सी. इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर और इससे मैं थोड़ा सा हाफ कट क्रीज करूँगी. एंड उसके बाद मैं लूँगी ये वाला ग्रीन शिमर शेड, इसका नाम है स्प्लैश और मैं ले रही हूँ सल्ट्री. आई एम नॉट टेकिंग स्प्लैश, मेरा ग्रीन स्मोकी करने का मन था, नाउ आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स दिस. तो मैं सल्ट्री ले रही हूँ, सल्ट्री को फिर मैं अपनी जो भी मैंने कंसील किया है एरिया वहाँ पे अप्लाई करूँगी. ओ सल्ट्री इज एक्चुअली अ क्रीम आई शेडो, इट्स नॉट पाउडर, इट्स एक्चुअली क्रीम. यस इट्स अ क्रीम आई शेडो. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ कि मैं ग्रीन कलर ही ले रही हूँ उसी के ऊपर क्योंकि ग्रीन वाला पाउडर है and sultry is not looking that great. Green बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटिफुल ग्रीन शेड है. एज यू कैन सी काफी अच्छा पिगमेंटेशन भी आया है इस पर. एंड अगेन मैंने आई शेडो ये ब्रश को वेट नहीं किया था, आई एम जस्ट प्रेसिंग इन द पिगमेंट. मैं सिर्फ टैप 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 करके पिगमेंट को प्रेस कर रही हूँ एंड बहुत स्लाइट फॉल ऑफ है अगर आप देख सकते हो, बहुत ही स्लाइट. तो मैं अपने आउटर वी को ब्लैक एंड ब्राउन कलर को मिक्स करके थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूंगी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी स्मोकी. दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही प्रिटी हैं. थोड़ा सा यहाँ पे कर्टन शेड को मैं बढ़ा रही हूँ. आई लव दिस शेड बाय द वे, दिस होल पैलेट, इस पूरे पैलेट की जान है ये वाला शेड, सच अ प्रिटी डुओक्रोमैटिक शेड. इसके बाद हम फटाफट से लगाएंगे लाइनर. मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और इसी को एज अ लाइनर यूज करूंगी एंड लेट्स सी हम ये काम भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आई लव दोस पैलेट जिनसे आप मल्टी चीजें मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सको एंड इट इज
एक्सट्रीमली ब्लैक एंड बहुत ही प्रिटी लगेगा ये एज अ लाइनर ऑल्सो. सो इस वाली आंख पे मैंने इसको पूरे अंदर तक नहीं लगाया, जस्ट टेकन इट आउटर साइड में, लाइक आउटर हाफ कह सकते, टू थर्ड आंख के आउटर टू थर्ड में सिर्फ मैंने अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा अंदर में वॉटर लाइन में. सेम मैं इस आंख पे करूंगी. इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी, इसका नाम है स्लो. नेम्स बड़े सही है, ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस 13 के लिए रखा गया है इसके नाम. फटाफट से मैं अंडर आई कंसील कर लूंगी. आई लव दिस आई लुक, बहुत ही बढ़िया. इनफैक्ट दोनों ही काफी अच्छे हुए हैं. आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना. एंड नाउ मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी स्मोक आउट करूंगी. लोअर लैश लाइन पे इस आंख के लिए मैं पहले ये ग्रीन कलर लूंगी जो हमने अपनी आईलिड पे अप्लाई किया हुआ था. एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा ये वाला ब्राउन शेड लूंगी, दिस इज कॉल्ड स्टीम, और स्मोक आउट करेंगे. इस आई के लिए मैं ये जो बर्गंडी शेड था जो मैंने ऑल ओवर द लिड यूज किया था मड, इसको लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूंगी. सेंटर ऑफ द लिड पे कर्टन यूज करूंगी लोअर लैश लाइन पे. मस्कारा से मैं अपनी आईज को फिनिश ऑफ कर दूंगी दोनों. एंड दीज आर द फिनिश्ड आई लुक्स. लिपस्टिक के लिए मैं नायका की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, योर लाते. लिपस्टिक के लिए मैं नायका की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, योर लाते. मेरा पैलेट बच गया वैसे. And this is the finished look, you guys. Finished look क्या makeup tutorial थोड़ी था ये. Okay, so ये वाले eye look, मतलब green is amazing, black is amazing. In fact, I think ये पूरा palette काफी अच्छा है. अगर आप beginner हो and if you want to invest, you can totally go for this. Black है, brown है, burgundy है. Like you have colors to play as well as आप neutral eye look भी इससे कर सकते हो. इसमें ये जो इस साइड में तीन shimmer shades है, these are wet eye shadows और ये वाले सारे के सारे powders हैं. मेरे को ये पिंक शेड, आई जस्ट लव्ड इट. जस्ट लुक एट दैट, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द कलर पिगमेंटेशन, इट्स ऑसम. मेरे को ये ब्लू और ये पर्पल भी स्वॉच करने का बड़ा दिल था. सो द पिगमेंटेशन गाइज इज बॉम, एज यू कैन सी बहुत ही बढ़िया पिगमेंटेशन है. एंड लेट मी जस्ट वॉच दीज शेड्स ऑल्सो फॉर यू. सो ये तीनों कलर्स हैं एंड look at the pigmentation you guys. बहुत ही बढ़िया पैलेट है. आपने हाथ पे क्या, आपने तो आईज पे देख ही लिया कि कैसा परफॉर्म किया है. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. 700 रुपीज का इट्स नॉट अ बैड डील. 650, 700, 800 तक का भी इट्स नॉट अ बैड डील. एंड अगर आप बिगनर हो यू विल लव दिस आई शेडो पैलेट. मिरर है और आपके यहाँ पे 16 आई कलर्स मिल जाते हैं विच इज अमेजिंग. इनफैक्ट जो ब्राउन शेड है आप उसको एज अ कॉन्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हो, उनको मिक्स करके कॉन्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो. दिस ऑरेंज I did not see it when मैं ऑरेंज कलर का लुक करती. लुक एट दैट ऑरेंज कलर. कलर्स भी हैं, न्यूट्रल्स भी हैं, मैट्स भी हैं, शिमर्स भी हैं, सब कुछ है टू प्ले अराउंड विद. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि लाइक कर देना. ये पैलेट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. एंड इफ यू लाइक दिस प्ले अराउंड विद दिस आई शेडो पैलेट, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. ऑल्सो ब्यूटी क्लेस्ट का जो ये वाला आई शेडो पैलेट है गॉर्जियस मी, ये मेरे पास आ चुका है. इसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो. प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा. सो या दैट इज इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.